वेरी गुड आफ्टरनून, कैसे हैं सब? आज मैंने सिविल और मैकेनिकल को देखा, आई फील वेरी एनर्जेटिक। तो अपने कॉलेज के वो दिन याद आ गए व्हेन आई वाज डूइंग बीटेक और सेम क्रेज था लाइफ में कुछ अच्छा करना है, लाइफ में कुछ बढ़िया करना है और किसी अचीवमेंट को हासिल करना ही करना है। सो आई फेल द सेम थिंग टुडे एंड फील वेरी एनर्जेटिक आप लोगों से मिल। तो सभी लोग यहाँ पे सिविल ब्रांच के हैं, मैकेनिकल के भी हैं? अरे वाह, तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दूं। आई एम ओमकार रिप्रेजेंटिंग ट्रिपल ए ब्राइट एज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर, हैविंग 6 इयर ऑफ एक्सपीरियंस इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि मेरा यहाँ आने का कारण क्या है, व्हाई आई एम हियर। जब मैंने बीटेक किया तो बीटेक के बाद लाइफ में गोल रखा कि आई वॉन्ट टू बी इन टीसीएस इन विप्रो, एक ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है जहां से अपने करियर को स्टार्ट करना है, जैसे कि आप लोग एक गोल लेके बैठे हुए सभी। yes, आप सभी लोगों ने बीटेक इसीलिए ऑप्ट किया होगा टू गेट ए गुड जॉब। मेनी ऑफ द बीटेक स्टूडेंट्स वर स्टैंडिंग आउटसाइड हैविंग देयर ओन प्रोजेक्ट्स दैट शो द डेडिकेशन इनसाइड देम कि हमें लाइफ में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है। पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या इस सेम डेडिकेशन के साथ अगर आप अपने सीनियर्स को भी देखें तो कितने परसेंट लोग हैं जो कामयाब हो पाते हैं? एनी आंसर? अपने सीनियर्स को देखिए, अपने बैच पास आउट को देखिए, कितने परसेंट लोग हैं विद द सेम एनर्जी जो लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं? 10%। ये भी आप लोग ज्यादा बोल रहे हैं। Only 2-3%, only 2-3%. What could be the reason behind this? कि सिर्फ अगर 100% बच्चा बैठा है, एनर्जी सब में है, सिर्फ उसमें 2-3% लोग कामयाब हो पा रहे हैं, बाकी लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। Can anyone? They are not taking quality education. Or Vision is not clear. Or? Sir, more competition and less vacancies. More competition and less vacancies. Or? Very good. Or? Point of fact, huh? Management institutes are a business learning institute, not an education institute. Good. Or? Negativity. Very good. Or? Focus. Good. अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, after BTech, आप लोगों का क्या aim है? कोई बता सकता है? What do you want to be after BTech? After BTech. You are all in final year? Fourth semester? Second year? Okay. After BTech क्या सोचा है? Placement? Placement हो जाएगी? कितना कोई श्योर है कि placement हो जाएगी? Anyone? 100% श्योर है placement हो जाएगी? एक, which company you are looking for? Okay. When I was in BTech, I got 16 offer letter. 16 offer letter after BTech. I have joined none. जितना मेरा कैंपस प्लेसमेंट हुआ, उसमें से मैंने किसी भी कंपनी को ज्वाइन नहीं किया भाई। I started my career as an IT engineer, then moved to financial sector. I was earning more than 70,000 per month. After 4 years, I left my job. I got 4 promotions, but मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मेरे को अपनी जॉब खुद छोड़नी पड़ी। रीजन क्या था? अर्निंग वॉज गुड, प्रमोशन वॉज गुड, बट मैंने क्या देखा, माई बॉस हु इज ऑल्सो एन इंजीनियर दैट बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर,
आईएमटी गाजियाबाद से एमबीए किया, 12 साल का एक्सपीरियंस, 24 लाख का सीटीसी, कंपनी ने निकालने के लिए एक मिनट नहीं लगाया। व्हाट इज फेल्ड? हैव आई चूजन द राइट पाथ? क्या मैं एक सही रास्ते पे हूं? क्या मैं एक सही ऑर्गेनाइजेशन के साथ हूं? क्या मेरी जॉब सिक्योर है? यू ऑल आर परस्यूइंग बीटेक, राइट? आफ्टर बीटेक वी ऑल वांट अ गुड जॉब। पर अच्छी जॉब किस में मिलती है? गेट के थ्रू, पीएसयू में, राइट? क्योंकि आज की डेट में कोई भी कॉर्पोरेट डायरेक्ट प्लेसमेंट में आपको 14-15 लाख का सीटीसी नहीं देगा। सच्चाई है? वी नीड टू क्रैक गेट। पता है इस बात का? बट कितनी वैकेंसी देता गेट साल में? कितनी वैकेंसी देता? 500-600। आप में से कितने लोगों ने गेट की तैयारी शुरू कर दी? वन, ओनली वन इन द हॉल। टू, वेरी गुड। बाकी भी सोच रहे हैं क्या करें और बीटेक के बाद तैयारी शुरू करेंगे। डू यू वॉन्ट टू नो कि क्यों आप में से कुछ लोग बैठे हैं, जो इसी हॉल में बैठे हैं, कुछ लोग कामयाब हो जाएंगे और कुछ लोग ऐसे कैसे रह जाएंगे? डू यू वॉन्ट टू नो? डू यू वॉन्ट मी टू शो हियर प्रैक्टिकली कि क्यों कुछ लोग बड़ी जल्दी कामयाब हो जाते हैं और कुछ बड़े धक्के खाने के बाद सोचते हैं कि अब कामयाब हो जाए? डू यू वॉन्ट मी टू शो हियर? I can show you. Do you want? Yes, sir. Okay. For that, I need 6 energetic engineers here on the stage. 6 energetic engineers here on the stage. Yes. Very good. Great round of applause for the girls. Amazing. होने चाहिए।
ओके टाइम अप टाइम अप टाइम अप ग्रेट 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 राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस। तो पहले की तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाइए जैसे जैसे आप देख ओके। तो ये दैट वाज एक्टिविटी नंबर वन विच यू हैव सीन राइट। लेट्स प्ले द एक्टिविटी नंबर टू। अब आपको क्या करना है कि आप लोग बिछड़े दोस्त हैं यार हैं भाई हैं बेली क्या है यार बेली वो भी बिछड़े बहुत प्यार सारा हॉल खाली है आपको मिलना है और समय की कोई लिमिट नहीं है मिलो। चलो मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं कौन सी एक्टिविटी में ज्यादा मजा आया कॉन्फिडेंस किसमें ज्यादा होगा घबराहट किसमें हो रही थी कौन सी एक्टिविटी करने का मन नहीं कर रहा था कौन सी एक्टिविटी करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा था। दैट्स आवर लाइफ। बीटेक क्योंकि घर वालों ने प्रेशराइज किया इसलिए बीटेक में मार्क्स कम आते हैं भाई इसलिए जॉब नहीं मिलती है। प्रेशर क्या है सोसाइटी का जॉब नहीं मिली बर्बाद हो जाएंगे प्रेशर डर। क्या सेकंड एक्टिविटी में डर था नहीं विलिंगनेस थी टू डू समथिंग। अब इनकी ये मीट चाहे बेकार होती चाहे अच्छी होती कोई फर्क नहीं पड़ता रीजन बीइंग ये लोग विलिंग थे इस काम को करने के लिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटपुट। बट हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है हम लोग विलिंग नहीं होते। थैंक यू सो मच कैन टेक योर सीट। थैंक यू सो मच। हमारे साथ क्या प्रॉब्लम होती है हम लोग विलिंग नहीं होते हैं। हमें जो सोसाइटी ने प्रेशर दिया जो आसपास के लोगों ने प्रेशर दिया हम सेम चीज को करना परस्यू कर देते हैं। टेक योर सीट प्लीज। There is a reason कि मैंने भी बीटेक ऑप्ट किया। मेरे फादर साहब इंजीनियर थे मेरे सिस्टर इंजीनियर थे मेरे कजन इंजीनियर हैं सभी सेटल्ड हैं तो दिमाग में बात बैठी हुई थी कि मेरे को भी बीटेक करना है। That's why I opted बीटेक। फिर फादर साहब ने बोला why don't you pursue एमटेक मैं कहा नहीं अब मेरे को पता है मेरे को क्या करना है। हम लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते हैं बिकॉज हम लोग फेलियर से डरते हैं। Suppose I started something, मैंने सोचा कि मेरे को B.Tech में 70% या 80% marks लाने, but जैसे मैंने तैयारी करनी शुरू की, मैंने numerical solve करने शुरू किए, मैंने engineering mathematics solve करना शुरू किया, जब मेरे questions नहीं निकलते, मैं क्या करता हूँ? Give up कर देता हूँ, कि भाई मेरे से नहीं होगा। Suppose I decided कि मैंने 10 question करने, but अगर मैं 5 ही कर पाता हूँ, तो मैं demotivate हो जाता हूँ कि मेरे से नहीं होगा, because मैंने सोचे 10 थे, और ये कितने? 5 बट अगर इसका उल्टा हो जाए आई स्टार्ट एप्रिशिएटिंग माई सेल्फ कि मैंने 5 तो किए तो ये 5 कब 6 हो जाएंगे कब 10 हो जाएंगे कब 100 हो जाएंगे और कब बीटेक की परसेंट 80% अबव हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। बट हम लोग क्या करते हैं हर चीज में नेगेटिविटी देखते हैं यार ये नहीं हुआ लाइफ में ये नहीं हुआ लाइफ में ये नहीं कर पाए वो नहीं कर पाए। चलो एक और चीज करते हैं लेट अस डू वन मोर एक्टिविटी करें। सपोज करो आप लोग बिल्डिंग में कहां में बिल्डिंग के एंट्री के द्वार और एग्जिट के द्वार में आग लग चुकी है क्या हो गया आप लोग सेकंड फ्लोर पे बचने का कोई रास्ता नहीं बचने का कोई भी रास्ता तो आपने एक विंडो देखी आपने देखा कि इस विंडो से हम बाहर जंप कर सकते हैं पर जैसे उस विंडो के नीचे देखा वहां पे बड़े बड़े ड्रम्स पड़े थे जिनमें इतना कचरा इतनी गंदगी थी जो आप देख भी नहीं सकते थे बट जिंदगी बचानी थी तो क्या करना चाहिए जंप करना चाहिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए करना चाहिए। और तो सपोज मैंने जंप कर दिया मैंने क्या किया
अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, इधर उस ड्रम में गिरने के बाद मैं अपने आप को क्रिटिसाइज करूं कि यार मैं गंदा हो गया, या मैं भगवान का थैंकफुल हूं कि मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। आज अगर मेरे साथ जिंदगी है तो कल को मैं साफ भी हो जाऊंगा। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एटीट्यूड। हमें लाइफ में फेलियर को भी वेलकम करना है। फेलियर को भी अगर जो बंदा वेलकम करेगा वही बंदा सक्सेसफुल है, है कि नहीं है? चलो एक और चीज देखते हैं। सपोज आई हैव अ कॉइन, दिख रहा है सभी को? वो छोटा सा है, इसे टॉस करते हैं। अगर हेड आ गया आप लोग जीत जाएंगे, अगर टेल आ गया तो मैं जीत जाऊंगा। डन है? डन? चेंज करना है? डन। चलो क्या एक क्या क्या अभी हेड है? ऐसा करो अपना हेड ले लो, मेरा टेल छोड़ दो। लो लो हेड, लो हेड। अरे टेल तो छोड़ दो, हेड ले लो, हेड ले लो। अरे टेल छोड़ दो भाई, हेड ले लो, आप हेड ले लो, टेल छोड़ दो। अरे टेल छोड़ दो, हेड ले लो, टेल छोड़ दो, छोड़ छोड़ टेल, हेड लो हेड। अरे भाई ना ना ना, हेड अपना हेड तो ले लो भाई, टेल छोड़ दो। कैन वी टेक? कैन वी टेक? वी कांट, सो वी कैन वी टेक? हु कैन टेक? हु कैन टेक? हु कैन? लो अपना हेड ले लो, मेरा टेल छोड़। अरे अरे टेल तो दे दो भाई, सेम 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 पॉइंट सेम, मेरी लाइफ है सेम पॉइंट। तो हम लोग नहीं ले पाए है ना, सेम पॉइंट में हम लोग नहीं ले पाए। तो मेरे भाई बिना फेलियर के लाइफ में सक्सेस कैसे ले लोगे? इफ देर आर फेलियर देर आर सक्सेस ऑल्सो, अगर फेलियर है तो सक्सेस भी है, और इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। सो व्हेनेवर यू फील लाइक डाउन कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, अगर मेरे को फेलियर मिल रहे हैं तो दिमाग में एक बात रख दा कि ये फेलियर अपने साथ क्या लाएंगे, क्या लाएंगे, क्या लाएंगे, हम सक्सेसफुल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अरे वाह मजा आ गया, जीनियस का सेमिनार ले गए। सो अभी बोर्ड पे देखते हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन मेरे पास क्या क्या ऑप्शन। ग्रेजुएशन करने के बाद या तो मैं अपने घर पे बैठ के सो जाऊं, शोक मनाऊं और वेट करूं कि मैं कुछ अच्छा कर लूंगा, या मैं किसी अच्छी प्राइवेट नौकरी की तैयारी करूं या अच्छी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं, बिकॉज मैंने क्या किया है बीटेक। या पंजाब में बड़ा क्रेज है क्या भाई? आई पर मेरी एक बात का जवाब दो, क्या हम इंजीनियर ड्राइविंग करने के लिए बने हैं? क्या हम ड्राइविंग करने के लिए बने हैं? हम किस लिए बने हैं? देश को बदलने के लिए। किस लिए बने हैं? मेरे को लगता है जो बंदा बीटेक करता है उसका आईक्यू बहुत हाई होता है, होता है कि नहीं होता है? आई फील द सेम, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। अरे वाह, तो यहाँ मेरे पास क्या ऑप्शन है? मेरे पास विप्रो है, टीसीएस है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, इंफोसिस है, आईबीएम है। पर दिल पे हाथ रख के बोलो कितने लोगों को ये कंपनी मौका देगी? किसी को भी नहीं देगी, इट्स अ फैक्ट, नहीं देगी भाई। पंजाब से बीटेक किया है, नहीं देगी। आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम पंजाब, इवन मैंने नोएडा से ट्रेनिंग किया। जब गुड़गांव में इंटरव्यू देने गया उसने बोला सर कॉलेज कौन सा है, मैंने बोला सर पंजाब से किया है, कहते सॉरी सर ओनली आईआईटी सर अलाउड। वाओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, बड़ा फील हुआ कि बीटेक करने के बाद कॉलेज इज ए बैरियर, नॉलेज इज नॉट ए बैरियर। किसी ने इंटरव्यू भी नहीं लिया बिकॉज बीटेक कहां से थी? पंजाब से थी, दे वॉन्ट ओनली आईआईटी, तो इसको मैं क्रॉस कर दूं। चलो आगे चलते हैं। सो प्राइवेट में जॉब में क्या है, एज मैंने आपको बताया कि मैंने खुद 6 साल दिए हैं प्राइवेट जॉब में, अच्छा पैसा कमाया, जॉब सिक्योरिटी है,
एनी प्रमोशन है? है अगर काम अच्छा है तो, नहीं तो नहीं है, इट्स अ फैक्ट। वेरिएबल सैलरी है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, कोई फिक्स आपको सैलरी वेजेस नहीं मिलते हैं। बट अगर मैं गवर्नमेंट जॉब की बात करता हूँ, पहले मैं पूछना चाहता हूँ आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स हैं जो आईएएस आईपीएस हैं, हाथ खड़े करना जरा, पेरेंट आईएएस आईपीएस, अरे एक भी नहीं। अच्छा असिस्टेंट कमिश्नर होंगे इनकम टैक्स में, हाथ खड़े करना, एक, वेरी गुड। कहां से बेटा? पटियाला से, अमेजिंग। और किसी के? रेलवे में तो लगे होंगे भाई, रेलवे में, मिनिस्ट्री में, वन, वेरी गुड। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में किसी के पेरेंट्स? किसी के पेरेंट्स नहीं। आपने देखा इस पूरे हॉल में 0.1% बच्चों के जो पापा या मामा है किसी अच्छे सेक्टर में है। रीजन क्या? विजन, गाइडेंस कि लाइफ में क्या करना है। मैंने बीटेक जॉब किया है, मेरे को गेट करना है, या मेरे पास पीएसयू के अलावा और अच्छे ऑप्शन भी हैं, तो आई विल से यस, वी हैव ऑप्शंस हैं। इवन ऑप्शंस आपको चाहते हैं, जैसे आपको एक जॉब की जरूरत है, सेम अच्छी जॉब में आप जैसे काबिल ऑफिसर्स की भी जरूरत है। हम लोग डर जाते हैं इंटरव्यू देते टाइम भी, ये हमें सिलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, अपने में इतनी नॉलेज पैदा करो कि अगर इस ऑर्गेनाइजेशन ने मेरे को छोड़ दिया, मेरा नहीं, किसका लॉस है? ऑर्गेनाइजेशन का। किसका लॉस है? तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस होगा, आपकी सिलेक्शन के चांसेस 95% होंगे, 10% नहीं होंगे। जो आप लोग सोच के जाते हैं कि वो लोग रखेंगे या नहीं रखेंगे, आज तक मैं किसी भी इंटरव्यू में नहीं रहा। रीजन भी खुद पे ये कॉन्फिडेंस है कि अगर इस बंदे ने मेरे को छोड़ा, मेरे से ज्यादा किसका लॉस होगा? उसका, मेरा नहीं। बिकॉज काबिलियत है, अगर ये कंपनी नहीं तो और बहुत सारी हैं। सेम एज इट इज गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं बात करूं, देयर इज बेटर जॉब सिक्योरिटी, टाइमली प्रमोशन भी है, गुड सैलरी भी है और लेस वर्क लोड भी, इट्स अ फैक्ट। आगे चलते हैं। सपोज कीजिए जैसे पंजाब की बात करते हैं, पंजाब में रिसेंटली पोस्ट निकली है किसकी? पंजाब सिविल सर्विसेज, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या आता है? आईएएस भी है और पीसीएस भी है। आईएएस एंड पीसीएस आर द मोस्ट रेपुटेटेड पोस्ट इन आर इंडिया, मानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बी इन आईएएस? वेरी गुड, वन और टू। आपने भाई तैयारी शुरू की? अमेजिंग, आपने किया, वेरी गुड, आपने किया, वेरी गुड। आप मेरे को बता सकते हैं पीसीएस का सिलेबस क्या होता है? आईएएस का पता है क्या होता है? आईएएस में क्वालिटी होती है, हिस्ट्री होती है और मॉडर्न और वो बहुत सारे सिलेबस के, वेरी गुड, वेरी गुड। ज्योग्राफी होती है, तो गुड। अगर मैं देखो बात करता हूं पीसीएस की, बात करता हूं कि पीसीएस ने पंजाब में अपनी पोस्टें निकाली, जो भी फाइनल ईयर वाला है वो एलिजिबल है इस गवर्नमेंट जॉब के लिए। और मेरे को कहने की जरूरत नहीं है कि पंजाब सिविल सर्विस में एक डीएसपी का रैंक, उसकी पावर क्या होती है, सभी को पता है। 60,000 के ऊपर सैलरी, 40 मरलों का बंगलो, कम से कम 4 गाड़ियां और रुतबा अलग से। हम सब लोग बीटेक क्यों करते हैं? फॉर नेम, फॉर फेम और फॉर मनी। बट क्या इस सिर्फ डिग्री के बाद ये सब कुछ मिल सकता है? नहीं, वी नीड टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क। हमें फिर भी बहुत मेहनत करने की क्या है भाई, जरूरत है। अगर मैं पीसीएस की बात करता हूँ, पीसीएस जैसा एग्जाम सिर्फ एक साल की मेहनत मांगता है। अगर आप डेडिकेटेडली अपनी बीटेक के अंदर भी अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं तो आप लोग बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो सकते हैं। When I was in Delhi, तो मैंने क्या देखा, I joined a company, मैं SSC mains cracker हूँ, SSC CPO cracker हूँ, IBPS PO mains cracker हूँ, 3 पेपर निकाल चुका हूँ। जॉब छोड़ने के बाद आई डिड नथिंग, अब मेरी ज्वाइनिंग अवेटेड है और कुछ नहीं। डेट्स मैं यहाँ पे आया हूँ कि आप लोगों को बता सकूं। जब मैं दिल्ली में था मैंने क्या देखा, ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम आई वाज द ओनली पर्सन फ्रॉम पंजाब हु इज देयर टू डू द प्रिपरेशन। एंड जो मेरा प्लान, मेरा पीजी था, वहां पे पूरी स्टेट कंट्री थी, सिर्फ बिहार, राजस्थान और हरियाणा, नो वन इज फ्रॉम पंजाब। आई फेल्ट बैड, क्यों? हमारे लोगों में क्या कमी है? क्या एनर्जी की कमी है? नहीं कमी है। क्या आईक्यू की कमी है?
नहीं कमी है, क्या लॉजिक सेंस की कमी है? नहीं कमी। और मेरे को क्या फील हुआ, वो लोग 12 घंटे पढ़ के भी इतनी आउटपुट नहीं दे पाते हैं जितनी हम 3 घंटे में दे देते हैं। वो लोग 16 साल से तैयारी शुरू करते हैं तब भी 24-25 में निकालते हैं, और अगर हम 23 में भी लग जाएंगे ना तब भी 25 में निकाल देंगे। तो पीसीएस के बाद अगर मैं और एग्जाम की बात करता हूँ, पीसीएस में हमारे पास पेपर 1 पेपर 2 आता है, और अगर पीसीएस के बात की जाए इसके बाद हमारे पास एक स्टैंडर्ड का पेपर आता है, आईएएस के बाद सेकंड नंबर का पेपर है जिसे बोलते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। क्या बोलते हैं भाई? अब जिन लोगों को बाहर जाने का बहुत क्रेज है उनके लिए इस पेपर में एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर। कौन सी भाई? अगर आपको बाहर जाना है सरकार के खर्चे में, फॉरेन मुल्क में जॉब करनी है, 2.5 लाख तक सैलरी पर मंथ लेनी है, सरकारी गाड़ी में घूमना है, अम्बेसडर के साथ जॉब करनी है, एसएससी इज ऑप्शन, और सिर्फ मैथ और इंग्लिश के बिहाफ पे पेपर निकल सकता है। इसमें सिर्फ 50% मार्क्स जो है इंग्लिश के हैं, और 700 में से 300 नंबर का इसमें मैथ्स आता है। और मेरे को लगता है कि बीटेक वालों का मैथ और इंग्लिश होता है, एक साल में निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, रेलवे को ज्वाइन कर सकते हैं, एमबीए को ज्वाइन कर सकते हैं, लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज आर देयर। और क्लास बी में तो मिनिमम सैलरी आपको मिलेगी, दैट इज 52,000 रुपए, 52,000 रुपीज पर मंथ। क्या बीटेक के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन है जो आपको 52,000 रुपए सैलरी दे सके? नहीं है, इट्स अ फैक्ट, नहीं। इवन व्हेन आई वाज इन बीटेक मेरे को भी इसके बारे में नहीं पता, आई वाज नॉट अवेयर इवन विद एसएससी कि ये नाम की कोई चीज भी, आई वाज ओनली अवेयर विद पीसीएस विप्रो एंड इंफोसिस। बट आज की डेट में पता लगा कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। आई स्टार्टेड प्रिपरेशन विद इन 1.5 ईयर आई सक्सीड, और अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं। यस यू कैन, and you have the potential and you have the power and I have seen your potential outside. इतना dedication मैंने इन लोगों में देखा, इनके projects देखे, मेरे को बहुत खुशी हुई। मेरे को लगा कि अगर इन लोगों को guideline मिले, अगर इनकी energy को guideline मिले, they can be a very successful officer. अब India क्यों डूब रहा है? बैंकों पे घोटाले क्यों हो रहे हैं? Officers are corrupt. 11,000 करोड़ का घोटाला क्यों हुआ? क्योंकि बैंक में लगा हुआ ऑफिसर करप्ट था। बट अगर आप जैसे लोग, हम जैसे लोग इस फील्ड में उतरेंगे तो क्या इस देश का भला नहीं करेंगे? करेंगे नहीं करेंगे? We can and we will. अगर बात करता हूँ एसएससी और पीसीएस के बाद, कुछ जो वुमेन्स होती हैं, they want a peaceful environment, जिसमें 10 से 5 की नौकरी हो, जिसमें हमारे पास क्या आती है भाई? बैंकिंग। क्या आती है? बैंकिंग में अगर एक प्रोफेशनल ऑफिसर की बात करूं, एसपीए पीओ में उसका स्टार्टिंग सीटीसी जो है 12.5 लाख रुपए है, इतना है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाते हैं आपका 12.5 लाख है, अगर जलंधर जैसा सिटी मिलता है तो कम से कम 9 लाख रुपए का क्या है भाई? सीटीसी। 9 लाख रुपए कम है? इट्स अ ह्यूज ह्यूज अमाउंट। हर 3 महीने बाद बीए का इंक्रीमेंट, पीए का इंक्रीमेंट और सैलरी का इंक्रीमेंट और प्रमोशन भी है। चाहिए क्या? सिर्फ हार्ड वर्क और सिर्फ मेहनत, एक सही डायरेक्शन में, एक सही विजन के साथ। मेरे को लगता है अगर आज के यूथ को जगाया जाए तो इस देश का नक्शा बदल सकते हैं। आप जैसे लोग ही हैं जो एज एडवाइजरी बॉडी भी काम कर सकते हैं, एज एग्जीक्यूटिव बॉडी भी काम कर सकते हैं। अगर एक आईएएस आईपीएस ईमानदार हो, एक ऑफिसर ईमानदार हो, तो इस देश में एक रुपए की करप्शन ना हो। हर जंग को सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ा जाता है, इन्हीं जंगों को दिमाग से भी लड़ा जाता है। अगर आप इंजीनियर्स हैं, कल को एक अच्छी अच्छी पोस्टों को संभाल रहे हैं, अगर ऐसे एडवाइजरी बॉडी कृषि मिनिस्टर को एडवाइस करें कि सर अगर हम ये लॉ पास करते हैं ऐसे लोगों का भला होगा, तो क्या कंट्री नहीं सुधर सकती है? क्या हम लोग ग्रो नहीं कर सकते हैं? जितना स्ट्रगल अब हम कर रहे हैं हमारी आने वाली जनरेशन नहीं करेगी। हम ही हैं इस देश का फ्यूचर, बट सोचने की बात है और समझने की बात है। तो अगर हम एसपीपीओ या बीपीएस पीपीओ की बात करते हैं, इसके बाद पंजाब में जो लोग सिर्फ पंजाब स्टेट में रहना चाहते हैं, पंजाब में पटवारी का पेपर निकलता है,
पंजाब में पीसीएस है, पंजाब में पंजाब पुलिस का है, हुड्डा का है, वेरका का है, मार्कफेल्ड है, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का है, पीएसपीसीएल का है। ये पेपर रिसेंटली हुए हैं इसी साल। अगर पंजाब में क्लर्क की बात करूं, एक क्लर्क की मिनिमम सैलरी 40,000 रुपीस कितनी है भाई? 40,000 इज दिस द मिनिमम अमाउंट। ये बहुत है आप लोगों को स्टैंड करने के लिए, जिसके बाद आप आईएएस और पीसीएस जैसे गोलों को रख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके अलावा भी कुछ करना है, यू हैव द ऑप्शन फॉर गेट, यू हैव द ऑप्शन फॉर आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसको ज्वाइन करके भी हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से सुधार सकते हैं, राइट? तो अभी हमें क्या चाहिए? एक विजन चाहिए, एक मेहनत करने के लिए पहा चाहिए। तो क्या आज से ही हम रन कर सकते हैं अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए? क्या अपने नए गोल को डिसाइड कर सकते हैं? बिल्कुल। एनर्जी तो थैंक यू सो मच फॉर द प्रीसियस टाइम।